हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी 6:30 बज रहा है, तब मैं काम करूँगी। तो चलिए आप सब ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड, अभी पानी आया हुआ है तो मोटर लगाए हैं। तो सासू माँ बोले कि मोटर चला दो, तो मैं यहाँ पे प्लग लगा रही हूँ मोटर का, और मैं पानी का मोटर चला दूँगी और वो पानी भर लेंगे। उसके बाद में मैं टंकी में लगा के बाकी सब काम वाम करूँगी और नहा के घर का पानी भी भरूँगी। तो ये आ रहे थे तो उनको बोले कि थोड़ा पाइप पकड़ लीजिए, तो बोले कि थोड़ा रुको बोल के। और इसे देखिए, ये बैठा हुआ है सुबह सुबह नाटक कर रहा, बैठ के बोलता है कि पैसा मांग दो बोल के, मतलब मेरी सासू माँ से पैसा दिला देने बोल रहा है। तो और बैठा हुआ है, रो रहा है। और ये अभी सो के नहीं उठा है, इसका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था रात में, मतलब पेट ख़राब हो गया था, तो उल्टी भी हो किया है। तो ये सुबह सुबह देखिए अभी बाहर निकल रहा है, बोलता है सुबह सुबह पैसा मांगता है। और अभी कचड़ा गाड़ी आया है, तभी कचड़ा देंगे मेरी सासू माँ, उसके बाद वो भी नहा लेंगे, और नहाने के बाद ही मैं नहाऊँगी। तो अभी कचड़ा गाड़ी आएगा, तो आया हुआ है उस साइड दे रहे हैं, घर के जितने भी है बाकी वो लोग कचड़ा दे रहे हैं, और फिर हम लोग द्वारी में आने से हम लोग भी देंगे। और यहाँ पे मैं दूध उबालने के लिए बैठाई हूँ, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो रुक के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। वहाँ मैं कपड़ा धो के रखी हूँ बाथरूम का दीवार पे, तो अभी सुखा भी नहीं सकती। देखिए ऐसे, देखिए क्या खा रहा है। दीप को देखिए क्या खा रहा है। गुड मॉर्निंग बोले तो। गुड मॉर्निंग। अकेले खा ले रहा, अपने भैया को भी नहीं दिया, बोला मैं अकेले खाऊंगा, बहुत चालाक है। तो फ्रेंड, आज बारिश छूटने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। मैं कपड़ा भी धो के रखी हूँ सुखाने का, कैसे सुखाऊंगी मतलब वही सोच रही हूँ। और इतना भीगा कपड़ा है ना, अंदर भी नहीं डाल सकती। और हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, अभी खाना भी बनाना स्टार्ट नहीं की हूँ, तो मैं फिर से चाय लेके बैठ गई हूँ। ये देखिए, और अभी बारिश छूटेगा तो थोड़ा बर्तन है वो भी थोड़ा धोऊंगी चाय वाला, और कपड़ा कैसे सुखाऊंगी वो भी सोच रही हूँ, और खाना भी बनाना है। तो चलिए आप सब ब्लॉग में पूरा बने रहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं खिचड़ी उतार चुकी हूँ, तो सोची आज ज़्यादा बारिश हो रहा है तो खिचड़ी बना लूँ। और बारिश में खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और किस किस को अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और साथ में इसके अचार और पापड़ बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और इतना ज़्यादा बारिश अभी भी हो रहा है ना, तो आप सबको मैं वो भी मैं दिखाती हूँ। और आप लोगों के वहाँ पे मौसम कैसा है ये भी बताइएगा, बारिश वाला है या धूप वाला है ये भी बताइएगा। और बारिश हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा मतलब मौसम ठीक कर रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा था इस बार, तो बारिश हो रहा है तो अब अच्छा भी लग रहा है। तो ये देखिए मौसम कितना बारिश हो रहा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं सारा काम ख़त्म करके और नहा के आ चुकी हूँ, और मैं अभी नाश्ता का तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ वो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ अभी। तो फ्रेंड, आज मैं
दाल पूड़ी बना रही हूँ, तो इसमें सब में दाल भरा गया है, यहाँ पे थोड़ा बचा है जो इसमें भी भरूँगी। तो ये देखिए ये दाल है, तो ये मैं रात में ही बना के रख दी थी मसाला, तो इसको मैं अभी बना रही हूँ। मतलब रात में भी बनाए थे दो चार, तो मतलब दो जब जिसको जितना खाना था उतना ही वो उस हिसाब से बनाई थी, तो रख दी थी। बाकी तो देव और दीप सो गए थे दोनों बेटा, तो अभी सुबह बना रही हूँ, तो सुबह का नाश्ता हम सबका हो जाएगा। तो अभी मक्खी भी बहुत ज़्यादा, अभी बरसात में ही प्रॉब्लम होता है, हर तरफ खाली मक्खी मक्खी होता है। तो चलिए आप सब ब्लॉग में पूरा बने रहिए। तो यहाँ पे जितना दाल था ना, मतलब जितना मसाला था इतना में देखिए ख़त्म हो गया, तो ये जितना था इसमें भरा गया, बाकी ये पाँच ये रह गया है लोई, तो इसको मैं ऐसे ही बना दूँगी, लेकिन ये इतना में भरा गया है। तो चलिए आप सब ब्लॉग में पूरा बने रहिए। तो यहाँ मैं आधा बेल चुकी हूँ और बाकी जो है उसको भी बेल के एक साथ में ही बेल के रखूँगी, उसके बाद में एक एक करके मैं छानूँगी, क्योंकि अकेले मतलब सब कुछ करने नहीं बनता है ना, तो जल्दी भी करना है तो ऐसी करूँगी। तो तेल गरम बैठा चुकी हूँ यहाँ, और अभी मैं एक पूरी छोड़ूँगी, तो ये देखिए कितना मस्त फूला है, बहुत ही अच्छा। और मुझे नहीं आता था बनाना, मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, यूट्यूब से देख के मन था बहुत टाइम से बनाने का, लेकिन आता नहीं था, तो सोची कि यूट्यूब में देख के बनाऊँगी। तो ये देखिए एक अभी और डाल रही हूँ आप सबके सामने में, बहुत ही अच्छा से बना है और फूल रहा भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था। तो कोई चीज़ अगर पहली बार में अच्छा बने ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और सबको अगर पसंद आता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत टेस्टी बना था और बहुत अच्छा से फूल रहा था और क्रिस्पी भी बना था और मसाला भी सब तरफ फैला हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी मैं इसको खाने में बैठी हूँ, तो ये देखिए नाश्ता लेके बैठ चुकी हूँ मैं चाय के साथ में, और थोड़ा सा चिल्ली सॉस भी लूँगी, लेना भी ली नहीं हूँ। और आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करती हूँ, तो कल बारिश ज़्यादा हो रहा था ना, तो ब्लॉग ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं की, तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।